नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति जो पूरे ही देश भर में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। सत्ता गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे नेता एकनाथ शिंदे। बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनी। 29 जून की रात उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि वह सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दूसरे ही दिन 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनाए गए। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर अब महाराष्ट्र की आवाम के लिए कई बड़े और अहम फैसले सुना रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ शिंदे गुट की तरफ से हम सभी को देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे के जो फैसले रहे उनकी सरकार के समय, उन फैसलों के खिलाफ भी एकनाथ शिंदे यहां पर कई अहम फैसले ले रहे हैं। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि ये जंग लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब एमवीए को लेकर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में कहा कि तीनों ही पार्टियां अगर अच्छे से मिल जाती हैं, ये गठबंधन मजबूत हो जाता है तो आने वाले चुनाव में जीत हासिल हो सकती है। जी हां, कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी यहां पर पूरी ही जी जान लगा रही है एकनाथ शिंदे के गुट को मजबूत करने के लिए। अब यहां पर जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे ये किए गए हैं कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को अब बीजेपी अब कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे तो है ही पहले से विधायक, ऐसे में देखा जाए तो अब उद्धव ठाकरे भी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में वह चुनाव आयोग तक पहुंचे और उन्होंने कह दिया है कि उनका आदेश पारित ना होने पर तब डिसीजन लिया जाए। उनका आदेश जब तक पारित नहीं होगा तब तक एकनाथ शिंदे को यहाँ पर ये कमान नहीं सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी उनकी है, शिवसेना को उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ऐसे में देखा जाए तो अब उद्धव ठाकरे हुंकार भरते हुए नजर आए हैं और अब उन्होंने एकनाथ शिंदे की सरकार को लेकर कह दिया है कि धूल चटा देंगे। आखिरकार क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे ने, जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अपनी सत्ता गंवाने के बाद शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अब भी कई बड़ी दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन मुश्किलों का सामना करते हुए वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर लगातार निशाना भी साध रहे हैं। जहां एक तरफ आने वाले चुनाव के लिए वह चुनाव आयोग तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी है कि उनके बिना एकनाथ शिंदे के फेवर में कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा। दरअसल वह शिवसेना को किसी के हाथों में नहीं जाने देना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया है कि शिवसेना उनकी है, शिवसेना का चुनाव चिन्ह उनका है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का कोई भी हक नहीं बनता है कि उसके चुनाव चिन्ह पर वह आने वाले चुनाव लड़े। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर एक बार फिर से निशाना साध दिया है। एकनाथ शिंदे के इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे और उन्हें धूल चटा देंगे। उद्धव ठाकरे ने इस तरीके से निशाना साध दिया है। दरअसल आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना विधायक राजन सालवी के लिए एक पत्र जारी किया और इस पत्र में सालवी को शिवसेना के प्रति वफादार रहने के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा इस पत्र में कि मैं आप जैसे वफादार के समर्थन से वादा करता हूं कि मैं एकनाथ शिंदे और उनके समर्थन करने वालों के इरादों को धूल चटा दूंगा। बता दें आपको, 6 जुलाई को विधायक राजन सालवी को ये पत्र लिखा था उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने मुश्किल वक्त में वफादार रहने के लिए राजन सालवी को धन्यवाद दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपने एकनाथ शिंदे के चलते खामियाजा उठाया, उनकी नाजायज सरकार से भीख नहीं मांगी और ना ही अयोग्यता की आशंका जताई। आप जैसे वफादार शिव सैनिकों के समर्थन से एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों की मंशा को विफल कर दिया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने अपने दिल की बात कही है।
उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। वहीं बिना किसी दबाव के द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। और ऐसे में देखा जाए तो अब उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को धूल चटाने के लिए आगे और भी अहम फैसले ले सकते हैं। बता दें आपको, शिवसेना के 40 विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए बगावत कर बैठे उद्धव ठाकरे से। और अब उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे उन बागी विधायकों को अपनी खेमे में वापस लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर एकनाथ शिंदे का जो गुट है वह मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्षद उनके खेमे में शामिल हो चुके हैं, विधायक उनके खेमे में शामिल हो चुके हैं और अब डर सता रहा है कि कहीं सांसद भी उनके खेमे में शामिल ना हो जाएं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से अब एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे जो बीजेपी से वचन ले चुके हैं कि उद्धव ठाकरे को निशाना ना बनाया जाए, लेकिन यहां पर नजारा काफी अलग देखने को मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से एकनाथ शिंदे जीत हासिल करते हैं, क्योंकि उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया है कि आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उन सभी में वह जीत हासिल करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी पहले से काफी ज्यादा मजबूत होती चली आ रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।